राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से निकालकर दूसरे शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलवाने को कहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर देश भर के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित करके वहां से निकालकर आरटीई के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से जारी किए गए इस आदेश से हलचल मच गई है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस आदेश के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको वहां से हटाया जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि मदरसा यानी कि क्या? मदरसा वह स्थान जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, तो गैर मुस्लिम बच्चा क्यों इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए मदरसे में जाए? आप उन बच्चों को निकालने की तो बात कर रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहां वो बच्चे मदरसे जा क्यों रहे हैं? इसका मतलब कोई स्कूल नहीं है वहां पे स्कूल क्यों नहीं? नंबर दो बात ये कि मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा है वो एक लेवल के बाद शुरू होती है। इब्तिदा जो होती है वो यही ABCD से होती है, छोटा बड़ा से होती है, अलिफ बे से होती है। मदरसे में ये कंपलसरी नहीं है कि अगर नॉन मुस्लिम बच्चा है तो उसको भी उर्दू पढ़े, वो उर्दू को चाहे नहीं पढ़े। सामाजिक संस्थाएं सहयोग करती हैं और बच्चों को रहने का, उनके खाने पीने का, उनकी पढ़ाई का सारी व्यवस्था निशुल्क होती है। सरकार का ये फैसला जो है ये धार्मिक उन्मादों को बढ़ाने वाला है, जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, इन मुद्दों पर बहस न कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए ये कार्रवाइयां करने का काम कर रही है। तो आयोग की तरफ से इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का भी बयान सामने आया और उन्होंने आयोग से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार पुनः विचार करें। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कानपुर में